हेलो स्टूडेंट्स, इजी फिजिक्स चैनल में आपनों स्वागत है। घना स्टूडेंट ने यो प्रश्न है कि जी आपे बोर्डनी पेपर स्टाइल है बराबर 50 एमसीक्यूस है, पार्ट बी नी अंदर त्रण सेक्शन आए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए नी अंदर थीअरी आए थे, ओके। जयरे सेक्शन बी होना अंदर एक्जाम्पल आए थे, ये सेक्शन बी ना अंदर घना बदा स्टूडेंट ने तकलीफ पड़े कि एक्जाम्पल अपना दाखला आवड़ता नहीं, एवं कहता हो। तो मित्रों, एक वस्तु याद रखवानी कि जयरे दाखलो तमारी परीक्षा में पूछाय तो सौ प्रथम तमारे दाखला नी रकम वाँचवानी रहेशे, ओके। दाखला नी रकम तमे वाँचो तो समझवानुं छे कि एना अंदर लास्ट में शू शोधवानुं कीधुं छे। तो मित्रों, धारो कि हूँ तमने एक एक्जाम्पल तरीके एक उदाहरण आपूं कि तमने प्रेरित ईएमएफ शोधवानुं कीधुं छे, बराबर। जयरे तमने प्रेरित ईएमएफ शोधवानुं कीधुं होय तो तमने एनी फॉर्म्युला याद होवी जोईए, कि एनी थीअरी तमे तैयार करी होय तो तमने फॉर्म्युला याद होय, बराबर। तो प्रेरित ईएमएफ तमारे जोईतुं होय तो एना माटे शुं जोईए, पहला फ्लक्स जोईए, बराबर। तो तमारे रकमनी अंदर जोवानुं कि फ्लक्स आपेलुं छे कि नथी, चुंबकीय फ्लक्स आपेलुं छे कि नथी। जो ए फ्लक्स न आपेलुं होय तो फ्लक्सनी फॉर्म्युला याद होवी जोईए, स्टेप बाय स्टेप। फ्लक्स माटे तमारे शुं शुं जोईए, पहला तो चुंबकीय क्षेत्र जोईए, पछी क्षेत्रफळ जोईए छे। तो मित्रों, आ बे वस्तु तमने आपेली होय तो तमे फ्लक्स शोधी शको। फ्लक्सनी किंमत तमे प्रेरित ईएमएफना सूत्रमां मूको छो फॉर्म्युलानी अंदर तो तमने शुं मळे छे, प्रेरित ईएमएफ मळे छे। तो मित्रों, दाखलानी अंदर गभरावानी जरूर नथी, रकम जोईने पहेला आखो दाखलो समजवानो छे, बराबर। जेम बने तेम लास्ट सुधी गणवानो ट्राय करो, एटले 75% जेटलो तमे दाखलो गणशो ने तो पण एना अंदरथी मार्किंग मळशे, बराबर। मित्रों, बीजू वस्तु कि बोर्डवाला जे पेपर तपासे बहु स्ट्रिक्टली तपासता होय छे, ओके। धारो कि विस्टन ब्रिजनुं सूत्र छे आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आई थ्री बाय आई फोर होय, इज इक्वल टू वच्चे आवे। जो मित्रों, एनी जगह तमे प्रोपरली थीअरी तैयार नहीं करी होय तो इज इक्वल टूनी जगह तमे जो प्लस चिन्ह कर्यो अथवा कंईक माइनस चिन्ह कंई भी कंईक भूल करी हशे तो बोर्डवाला डायरेक्टली तमारी पेपर जे तपासे छे, तपासनार એ વ્યક્તિ તમારો ડાયરેક્ટ એક માર્ક્સ કાપી નાખે। જો ચાર માર્ક્સમાં એ થિયરી પૂછાય તો તમને ત્રણ જ માર્ક્સ મળે। તો આટલી નાની નાની વસ્તુઓ પણ મિત્રો આપણે બોર્ડની એક્ઝામમાં આ વર્ષે યાદ રાખવાની છે, બરાબર। વધારે અપડેટ, વધારે માહિતી માટે આ નેક્સ્ટ લેક્ચર ઇઝી ફિઝિક્સનું જોતા રહો, ઓકે। થેન્ક યુ મિત્રો।